जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला सवाल जो पूछा गया है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से ऐसे फ्यूल हैं जिसका यूज किया जाता है एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के तौर पर। जैसे पहला था हमारे पास एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, दूसरा था कॉर्न ग्रेन, तीसरा था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज्ड, और फोर्थ हमारे पास क्या देखने को मिलेगा आपको, फोर्थ वुड विल वेस्ट। तो इन चारों में से बताना है कि कौन कौन सा इसमें हम जो मिनरल्स है उसको यूज करते हैं फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ऑप्शन ए था 1 और 2, ऑप्शन बी था 3 और 4, ऑप्शन सी था 1, 2, 3 और 4 एंड ऑप्शन डी था 1, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों का यूज हम किस में कर सकते हैं, जो हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसमें हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए सवाल ये आता है कि आखिर एविएशन फ्यूल होता क्या है। तो एविएशन फ्यूल की बात करते हैं तो ये एक टाइप का फ्यूल है जिसका यूज हम किस में करते हैं। तो जो हमारे प्लेन्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज हम किस में करते हैं, एज अ फ्यूल की तरीके से हम करते हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि हम रिड्यूस कर सके किसको, तो ग्रीन हाउस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, यानी कि अगर हम एविएशन फ्यूल की बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए हम वेरियस सोर्स का यूज करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा कॉर्न ग्रेन, एग्रीकल्चर रेसिडेंस, ऑयल सीड, एल्गाई, फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, वुड मिल वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम। तो इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, एविएशन फ्यूल बनाते हैं। और मोटिव क्या होता है, ग्रीन हाउस को रिड्यूस करना। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।